नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चंदन भारद्वाज। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से जो पटना से आ रही है। पटना टेरर मॉड्यूल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। जी हां, 3 संदिग्ध आतंकियों के घर से एनआईए ने छापेमारी की है। इसके साथ ही साथ दरभंगा मोतिहारी में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। नूरुद्दीन जंगी के ठिकानों पर एनआईए की रेड हुई। इसके अलावा पीएफआई के सदस्यों के लिए आपको बता दें कि जंगी जो था वो कानूनी केस लड़ता था। लखनऊ से नूरुद्दीन जंगी को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही साथ रियासत के ठिकानों पर भी एनआईए की छापेमारी लगातार चल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में शामिल होने से एक दिन पहले एनआईए की टीम जो है वो वहां पर थी और तमाम केंद्रीय एजेंसियां थी। और इस बीच जो है साफ तौर पर ये बड़ी छापेमारी जो है इस वक्त एनआईए की हुई है। मुकेश कुमार हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़े हैं। मुकेश, लगातार एनआईए अब एक के बाद एक पीएफआई के उन तमाम सदस्यों के घर पर पहुंचकर छापेमारी कर रही है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि दरभंगा में जिले में एनआईए की टीम आज तड़के पहुंची और पहुंचने के साथ उन्होंने 3 जगहों के लहरियासर थाना अंतर्गत नूरुद्दीन जंगी और साथ ही साथ जो सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत सनाउल्ला और मुस्तकीन तीनों के घर पर लगातार छापेमारी कर रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है सब सुरक्षा के मद्देनजर। वहीं मैं आपको बता दूं कि एनआईए की टीम अंदर गई है। अंदर जाने के बाद जो नूरुद्दीन जंगी है सनाउल्ला और मुस्तकीन तीनों के परिवार परिजनों से बातचीत कर रही है, उनसे जानकारी प्राप्त कर रही है। वहीं जो एनआईए की टीम है वो घरों के बाहर और अंदर जो है तो फोटोग्राफी भी कर रही है। साथ ही साथ कई तरह की कोई कागजात या हार्ड डिस्क वगैरह कुछ भी खोजने का प्रयास करिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इन सब जो भी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बात सामने आई है कि पटना के मामले में दरभंगा के 3 लोग नामजद हैं, तीनों के घर पर अभी छापेमारी हो रही है और सिंहवाड़ा में और के सकरपुर में छापेमारी हो रही है। घर में घर के कमरों में तलाशी ली जा रही है। और वही बता दूं कि जंगी की तो गिरफ्तारी लखनऊ से हो चुकी है, लेकिन सनाउल्ला और मुस्तकीन की बात करें तो दोनों अभी फरार चल रहे हैं। इसको लेकर अभी एनआईए की टीम जो है सो उनसे पूछताछ कर रही है, जानकारी ले रही है कि दोनों है क्या। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, का कितना पता लग पाया कि तीन टीमों के अलावा कई और जगह पे भी क्या छापेमारी की जा रही है एनआईए की तरफ से? जी, दरभंगा जिले में तो ही मात्र 3 ही लोगों के पास की जा रही है, लेकिन यूं बता दें कि मिथिलांचल की बात करें तो मिथिलांचल और सीमांचल में कुछ 14 लोगों के ऊपर FIR है। अब इन सबके घर पर बारी बारी छापेमारी की जाएगी और जानकारी प्राप्त की जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से ये बात कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पूर्व जो एनआईए की छापेमारी है वो निश्चित रूप से अपने आप एक बड़ा सवाल हुआ। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कल दरभंगा बिहार के DCP दरभंगा पहुंचे थे, उन्होंने सीधे तौर से कहा था कि पटना टेरर मामले में एनआईए पूरी तरह से सजग है और लगातार उस छापेमारी कर रही है, वो जानकारी प्राप्त कर रही है। अब उसी कड़ी में आज कल DCP का आना और आज एनआईए का दरभंगा आकर करके और लगातार छापेमारी करना और साथ ही साथ दरभंगा बिहार के गृह सचिव भी दरभंगा पहुंच रहे हैं। मुकेश, ये दूसरी बार है जब सनाउल्ला और मुस्तकीन दोनों के घर पे टीम पहुंची है एनआईए की। अब तक ये दोनों फरार हैं, क्या इस बारे में पुलिस से कुछ जानकारी मिल पाई है कि इनको पकड़ने के लिए पुलिस किस तरीके से आगे रणनीति बना रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि दरभंगा पुलिस की बात करें, दरभंगा पुलिस लगातार छापेमारी करती है, अपने सूत्रों से पता लगाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो जानकारी मीडिया के पास में सूत्रों के हवाले से है कि मुस्तकीन की बात करें तो मुस्तकीन अभी दिल्ली में है और उसका मोबाइल नंबर जो है वो अभी भी ऑन है। लेकिन सनाउल्ला की बात करें तो इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है कि सनाउल्ला है कहाँ। वही घर के लोगों की बात करें तो घर के लोग कुछ ही बताने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन दरभंगा पुलिस की बात करें, दरभंगा पुलिस लगातार इन दोनों के घरों पे छापेमारी तो करती है, साथ ही साथ अपने सूत्रों से पता लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक दरभंगा पुलिस को कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुकेश, हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि किस तरीके से 2 जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और कोशिश है कि लगातार ये निकाला जाए कि पीएफआई के एंगल और उनके लगातार लोग स्लीपर सेल कहां कहां पर मौजूद हैं।